लखनऊ सुपर जायंट्स को आखिरी ओवर में 28 रनों की जरूरत होती है, लेकिन यकीन मानिए अंतिम ओवर में सब चीज देखने को मिलता है। वाइड बॉल, नो बॉल, विकेट, चौका, छक्का और अंतिम ओवर रोमांच से भरा होता है क्योंकि सभी चीजें इसमें देखने को मिल जाती है। दोस्तों आपको बता दूं कि चेन्नई की तरफ से आखिरी ओवर लेके आते हैं तुषार देशपांडे, वहीं लखनऊ की तरफ से आखिरी ओवर में मैदान पर होते हैं आयुष बदोनी और के गौतम। पहली ही गेंद तुषार देशपांडे वाइड करा देते हैं और अब यहां से 6 बॉल में 27 रनों की जरूरत होती है। वहीं तुषार देशपांडे गलती एक और कर देते हैं, अगर ये गेंद वो नो बॉल करा देते हैं इस गेंद पर केवल 1 रन ही आ पाता है और अब यहां से 6 गेंद में अभी भी 25 रनों की जरूरत होती है। ओवर की पहली गेंद लीगल डिलीवरी होती है जिसमें 2 रन भागने में कामयाब रहते हैं और अब यहां से 5 बॉल में 23 रनों की जरूरत होती है, लेकिन तुषार देशपांडे अगली गेंद खाली निकाल देते हैं और अब यहां से लखनऊ की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आती है क्योंकि 4 गेंदों में अब 23 रनों की जरूरत होती है। लेकिन तुषार देशपांडे यहीं नहीं रुकते, अगली गेंद कराते हैं, तेज शॉट खेलते हैं आयुष बडोनी और अगली गेंद पर आउट हो जाते हैं और अब यहां से लगभग जीत नामुमकिन नजर आ रही थी लखनऊ के लिए, लेकिन रोमांच आखिरी गेंद तक बना रहता है। दोस्तों आपको बता दूं कि अब 3 गेंद पर 23 रनों की जरूरत होती है। ओवर की चौथी गेंद कराते हैं तुषार देशपांडे मार्क वुड को, नए आए बल्लेबाज को, एक भी रन बनाने में कामयाब नहीं रह पाते और अब यहां से 2 गेंदों में 23 रन, लेकिन ओवर की चौथी गेंद पर करारा चौका जड़ देते हैं मार्क वुड और अब यहां से मुकाबला आखिरी गेंद पर चले जाता है। 19 रनों की जरूरत होती है, आखिरी गेंद पर मार्क वुड छक्का जरूर जड़ते हैं लेकिन फिर भी लखनऊ सुपर जायंट्स बेहद नजदीक पहुंचकर यह मुकाबला 12 रनों से हार जाती है।